अब मौजूदा सूरत हाल में जो शुरू से लेकर अब तक इस वहाबी तहरीक के ख़िलाफ़ उम्मत मुसलिमा जिन तहफ़ात का इजहार करती रही अब वो चीज़ें खुल के सामने आ गईं और मौजूदा महम्मद बिन सलमान उसकी शक्ल में जज़ीरतरब पूरी तरह यहूद नसारा के पंजे वहाँ मजबूती से गाड़े जा रहे न्योम सिटी की सूरत में दज्जाल का अड्डा कैम किया गया है और वो अरब की सरज़मीन पर यहूद नसारा की स्टेट है जो कि तमीर हो चुकी है और उसमें अज़ान क़ुरान दीन इस्लाम इनमें से किसी चीज़ का हवाला नहीं दिया जा सकता और है वो सऊदी अरब के अंदर और फिर चलते चलते जो बेहयाई और यानी फुहाशी के अड्डे खोले गए और फिर पिछले दिनों अस्सी हज़ार का एक अजतमा किया गया और यानी फुहाशी की गैदरिंग थी जिसमें कलमतुल्ला की इतनी तोहन की गई कि पर्च में सऊदी अरब जिस पे कलमा लिखा हुआ है उसे नंगी औरतों ने अपने बदन से लपेटा और उसको हाथ में पकड़ के उस झंडे को डांस किया और यहदों न सारा के वहाँ पर सकालर उसमें शरीक हुए अब उसके बाद जो है वो उसी सरज़मीन पर क्रिसमस की शक्ल में दीन इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ा हमला किया गया और ये हम उम्मत मुस्लिमा के लिए उम्मते मुस्लिमा के केमा के लिए उम्मत मुस्लिमा के जितने भी बेदार मगज़ लोग हैं हम सब के लिए ये बहुत बड़ा अलार्म है ख़तरे का कि यह सरज़मी मुक़दस जहाँ परि फुहाशी की किसी एक चूंटी का रींगना भी बर्दाश्त नहीं था वहाँ पर ये बदमस्त हाथी शरीयते मुताहरा की दजियाँ उड़ा रहे हैं और फिर हर अगले दिन यह नसारा की खुशनुदी के लिए काम किया जा रहा है अब जो कुछ अभी पच्चीस दिसंबर को हुआ इसके लिहाज से मुख्तलफ़ अखबारात में जो सुर्खियाँ लगें लेल मर्रतिन सऊदी यून यह तफ़ी अभी मिलाद, अमीलाद क्रिसमस ये इस तरह की तस्वीरें यानि वह सरज़मीन जहाँ पर ईद मीलाद का लफ्ज़ आज बिल आखिर इस्तेमाल हुआ सरकारी सरपरस्ती में तो क्रिसमस के लिए हुआ जहाँ सरवर कौन हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम की विलादत बासादत के लिए ईद मीलाद का लफ़ शिरक करार दिया गया बिदत करार दिया गया और जिसने घर में भी मनकद की उसको कोड़े मारे गए जेलों में डाला गया कि तुमने ये काम क्यों किया तो उसके शहर रियाज के अंदर सरकारी सतह पर इतने अहतमाम के साथ क्रिसमस का इस मरतबा उन लोगों ने अहतमाम किया तो ये जो अखबार है इसके अंदर लिया मर्राफी तारीख यहाँ अलमलका العربية السعودية تحتفل بالكريسماس बिलक्रिसमास تكلفتها. कि पहली मरतबा सऊदी अरब में सरकारी तौर पर क्रिसमस का जश्न मनाया गया और क्रिसमस में वो ये जो जो क्रिश्चन हैं उनकी तकरीब है इसका तल्लु हरगरत इीसी की विलादत की खुशी से नहीं चूँकि उनकी विलादत की हर खुशी मिलाद महमद सल्लम में ही मौजूद है उनका ये मनाना एक शिरकिया तकरीब है जिसमें उन्हें माजल अल्लाह का बेटा कहकर वो कम अज़ कम ये लफ्ज़ तो ज़रूर बोलते हैं उस तकरीब में और ये बहुत बड़ा शिरक है बहुत बड़ा कुफर है इस्लाम से क़ुरान से बगावत है तो इस तकरीब का वहाँ पे जो है वो इनकाद किया गया और फिर इसके लिए जो क्रिसमस ट्री है वो होटलों में सड़कों पे वो लगाए गए और इतना यानी हमें मिलाद की झंडियों से रोकने वाले बिल आखिर यहाँ लिखा है कि 11 मिलियन डॉलर का क्रिसमस ट्री बनाया गया 11 मिलियन डॉलर क्रिसमस ट्री पर लगाए गए और ये इस अंदाज़ में सरज़मी मोहम्मद अरबी अलैहि वसल्लम पर जिसके बारे में हमारे वसल्लम ने अपने आखिरी लफ्ज़ जो बोले थे दुनिया से जाते हुए फरमा आखिर जुल यहूदा व नसारा मीन अरब कि यहूद व नसारा को तुल अरब से निकाल दो कि ये जजीरातलरब जो है ये महमद अरबी का जजीरा है ये नसारा के पलीद कदम यहाँ से ख़त्म हों आखिर जुल नसारा मिन जजीराब यानी संद के साथ ये रसूल पाक अलैहि वसल्लम की ये अलफा साबित हैं और ये मौजूदा हुकमरान जो हैं इन्होंने उनको यहाँ पर अड्डे दिए छौनियाँ दी, दी शहर बना कर दिए और फिर उन्हीं की सूरत में ये सब कुछ आगे बढ़ा रहे हैं एक जुमला हम कहें कि अगर वहाँ पर क्रिसमस की इजाज़त है तो ईद अलैहि वसल्लम की इजाज़त क्यों नहीं तो ये वैसे तो ये जुमला ठीक है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो ईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्रिसमिस का तो आपस में कोई तकाबुल ही नहीं क्रिसमस जो है जिसके अंदर शिरकिया जुमले हैं शिरकिया कलिमात हैं और एक हराम अमल है वो हराम हो के भी इन लोगों के नज़दीक हलाल हो गया जायज़ हो गया जो और दूसरी तरफ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का शुक्रिया अदा करना है और खाल कायनात जल्ला जलालहू कि रसूल सल्ला वम की आमद की खुशी है जिसका हुक्म क़ुरान में है सुन्नत में है जिसके लिए हमारे पास चौदह सदियों के अंदर तामिल मौजूद है लेकिन वो इन्हें नसीब नहीं और ये दुनिया के सामने इनका जो वो छुपा हुआ भुगज़ नबी था उसका इजहार होना था कि आज यानी ये पांच बंदे भी जमा नहीं होने देते रियासत की सड़कों पर बारा नबी शरीफ को कि पांच बंदों का जुलूस भी ममनू है ये नहीं कर सकते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर लेकिन दूसरी तरफ जो है उन्हें ख़ुद वो जिन का लगाया हुआ पौधा है और जिन के लिए वो काम कर रहे हैं अब बिल आकर वहाँ के मुफ्ती भी खामोश हैं यानी जो अभी चंद दिन हुए वो रहमान मेरे ख़िलाफ़ उसने वहाँ से तकरीर जो है वो की कि मेरे जो ईद मीलादबी सल सलम के दलाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश में लेकिन उनको इतनी हया नहीं कि वो इधर तो ईद मिलादुलनबी सलीसम को अब भी रोक रहे हैं और उधर जो है वो क्रिसमस के लिए इतनी तैयारियाँ करके और फिर इतनी दाद वसूल कर रहे हैं वैसे और ये मुसलसल उनकी तरफ से कई सालों से इस सिलसिला की तैयारियां हो रही थी और बिल आखिर अब वो सूरत जो है वो सामने आई